दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल आईपीएल 2021 के 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक तरफा मुकाबले में 6 विकेट से हराया। 157 रनों के लक्ष्य को सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ की 38 और अंबाती रायडू की 32 रनों की पारी की बदौलत 18.1 ओवर में चेज कर लिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई पॉइंट टेबल में एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स को पछाड़कर नंबर 1 बन गई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि टॉस हारकर बैटिंग करते हुए बेंगलोर ने देवदत्त पाडिकर, जिन्होंने 70 रन बनाए और कप्तान विराट कोहली ने 53 रन बनाए और इन्हीं दोनों के दमदार पारियों के बूते 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 157 रन बनाए। चेन्नई की ओर से ड्रेन ब्रेबो ने 3 और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं पूरी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। 157 रनों का पीछा करते हुए सीएसके की शुरुआत बेमिसाल रही और ऋतुराज गायकवाड़ और फॉर डुप्लेसी ने पहले विकेट के लिए महज 8.2 ओवर में 71 रन जोड़े। यजवेंद्र चहल ने गायकवाड़ को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ा। इसके बाद फॉप अभी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। मोइन अली 23 और अंबाती रायडू के 32 रनों के बदौलत दमदार शॉट्स लगाए, लेकिन हर्षल पटेल ने मोइन को आउट करके चेन्नई का तीसरा झटका दिया। रायडू 22 गेंदों में 32 रन की तूफानी पारी खेलकर हर्षल पटेल की ही गेंद पर आउट हो गए। आखिर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने बिना कोई अतिरिक्त विकेट गंवाए सीएसके को 6 विकेट से जीत दिलाई। रैना 17 तो कैप्टन धोनी 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो दोस्तों ये था कल के मैच का आंखों देखा हाल। मैं 36वें मैच के साथ फिर आप लोगों के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही लगातार नॉलेज वाली वीडियो क्रिकेट से संबंधित और न्यूज़ से संबंधित जानकारियां हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।